Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. तो नमस्कार करती हूँ मैं आज की न्यू स्लाइड के साथ. हमने पहली स्लाइड में क्या डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया में कैसे आए, किस ईयर में आए, किसके चार्टर के द्वारा आए, और जब उन्होंने अपना ट्रेड यहाँ पर ज़्यादा ही प्रॉस्पर कर लिया, लेकिन ब्रिटेन में कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था जब उस गेन का, तो फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह से उनके एक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए कितने नए नए लॉज बनाए, एक्ट्स बनाए. तो शुरू किया था हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, और हमारा 1857 तक जो है ये रूल जो है चलता रहा. ठीक है, मतलब कि कंपनी रूल जो है 1773 से 1857 तक चलता रहा. तो आज हमारा होगा डिस्कस क्राउन रूल, मतलब 1858 से लेकर 1947 तक जो भी रूल बना वो क्राउन रूल के अंडर बना, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर बने. कंपनी रूल बिल्कुल ख़त्म हो गया था. चलिए तो डिस्कस करते हैं हमारी स्लाइड्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया. 1858 क्यों आया, क्या कोई मुझे बता सकता है? देखिए, जब 1857 में एक रिवोल्ट हुआ, किस लिए हुआ था वो रिवोल्ट? क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स बन गए थे, कंपनी ने ऐसे रूल बना दिए थे, या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ ऐसे रूल्स बना दिए थे कि इंडियंस के लिए सफ़र करना मुश्किल हो गया था. ठीक है, तो उन्होंने जो है सब ने मिल के एक रिवोल्ट किया, जिसे 1857 का रिवोल्ट कहा जाता है, जिसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. ठीक है, या सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है. सिपॉय म्यूटिनी मतलब सिपाहियों के द्वारा सबसे ज़्यादा ये युद्ध लड़ा गया था, उन्हीं से ही ये शुरुआत हुई थी. तभी जाकर जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से 1858 में एक एक्ट आया, जो कि ब्रिटिशर्स ने ही लाया था. ठीक है, जिसका उद्देश्य था कि इंडिया में एक गुड गवर्नमेंट आएगी. मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि गुड गवर्नमेंट आएगी, बस वो जो है चाहते थे कि इंडियंस शांत हो जाए. तो उन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से एक एक्ट लाए और कहा कि इसमें जो है इंडिया की गवर्नमेंट जो है अच्छी गवर्नमेंट बनेगी एक. ठीक है, अबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्प्लीटली. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म होने के बाद जितनी भी पावर्स थी गवर्नमेंट की, या जो भी टेरिटरीज थी, या जो भी रेवेन्यू लेने की पावर थी, वो सारी जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गई थी. ठीक है, अब सब कुछ जो है ब्रिटिशर्स के अंडर होने लगा. फीचर्स भी थे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर. क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन था, अब वो भी चेंज कर दिया था. देखो, सबसे पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा था. कौन से एक्ट में? 1773 में. फिर 1833 आया. ठीक है, उसमें क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा. अब जो है 1858 में जाकर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसे अब वॉयस रॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा. ठीक है, अब जो फर्स्ट जो वॉयस रॉय थे इंडिया के, वो कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग, जो डायरेक्टली कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से. ठीक है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. पहले क्या था, कंपनी के साइड से आते थे. ठीक है, लेकिन अब जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटेन आने लगे. ठीक है, डबल गवर्नमेंट का एंड हो गया. डबल गवर्नमेंट मतलब आपको याद होगा कि डुअल गवर्नमेंट बनी थी किस तरह से, जब लगाया गया था COD और बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ और COD जब आया था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब आया था, तो डबल गवर्नमेंट लग गई थी. आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि COD का क्या फंक्शन था और BOC का क्या फंक्शन था. ठीक है, न्यू ऑफिस बना इनकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे हम आगे थोड़ा SOS बोल के जानेंगे. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, इसके अंडर क्या हुआ कि 15 मेंबर काउंसिल बनी थी कि वो SOS के अंडर जो है रूल्स और रेगुलेशंस को असिस्ट करेगी. ठीक है, बजट भी इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश इंडिया के अंदर इन 1860s में. ओके, देखिए नेक्स्ट एक्ट आया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. किस पर्पज से? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया.
ठीक है, तो 1860 मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक्ट जो है आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी हिस्ट्री बताने का कोई पर्पस नहीं होता है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या हुआ, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस से इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो 1861 एक्ट आया जिसका इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये एक्ट, ठीक है। इसके अंडर क्या हुआ कि जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले क्या था, सब कुछ जो है ब्रिटिशर्स के हैंड में था, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट किए जाते थे। लेकिन अब जो है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम दिया गया, उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट नाम दिया गया, यानी कि अब वो सोचने लगे कि कुछ पावर्स जो है इंडियंस के हाथ में भी दे दी जाए, ताकि इंडियंस को भी थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ हम भी जो है गवर्नमेंट बनाने के अंडर में आ गए हैं, कि हमें भी जो है कुछ ना कुछ काम दिया जा रहा है, ताकि इंडियंस भी शामिल रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो स्पेशली यही मोटिव था, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि कुछ बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटेड इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को भी अपॉइंट करने के लिए उन्होंने लॉ बनाया। तो क्या किया, इस तरह से जो फर्स्ट वायसराय था उन्होंने अपॉइंट किया, नॉमिनेट किए 3 इंडियंस, ठीक है, अपनी काउंसिल में। इंपॉर्टेंट नेम्स है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, इन तीनों को जो है अपनी काउंसिल में अपॉइंट किया। फिर एक इम्पॉर्टेंट थिंग हुई, देखो आपको पता होगा कि मैंने एक एक्ट बताया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, अगर आपको ज़रा सा भी याद होगा, अगर आपने अच्छे से स्लाइड को पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था कि मैड्रेस एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को मतलब कि उनसे पावर छीन ली गई थी कि वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा था उसमें, इफ़ यू हैव लर्न द चैप्टर कम्प्लीटली, ठीक है। लेकिन अब इस एक्ट में क्या हुआ, 1861 एक्ट में क्या हुआ कि उनको फिर से यही पावर दे दी गई, ठीक है, जो उसमें छीन ली गई थी 1833 में, वो दोबारा दे दी गई उनको, डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसीज, ठीक है, यानी ठीक है ये सब किया गया, यानी और जो भी पावर जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में रिवर्स हो चुकी थी उसको अब सेंट्रलाइज कर दिया गया, एक साथ मिला दिया गया, और अब ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि आप अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज का अपने आप ध्यान रखो, सिर्फ हम ओवरऑल ओवरव्यू लेने के लिए आएंगे, हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा हुआ फिर इनके साथ में। अब क्या हुआ कि नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, किनके लिए, NWFP मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लिए, और बंगाल के लिए और पंजाब के लिए। NWFP के लिए 1862 में, बंगाल के लिए 1897 में, और 1866 के लिए 6 का पंजाब के लिए, कि मतलब अब आपको ऑटोनोमस पावर दे दी गई है, आप अपने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अपने आप देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी लाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है तुम अपनी डिफेंस सिस्टम बना सकते हो, अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, मतलब कि उनको पावर दे दी गई कि अब आप अपना सब कुछ अपना अपना पोर्टफोलियो सिस्टम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो कि इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। अब जो है वायसराय को ये भी पावर दे दी गई जो कि वो जो है बिना किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिस्कस किए हुए, अगर इमरजेंसी हो किसी भी चीज़ की, तो मतलब कि वो इमरजेंसी हो किसी चीज़ की, तो ऑर्डिनेंस जो है पास कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। देखो वैसे अब जो है ऑर्डिनेंसेस इशू करने की पावर किस किस को है, गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट को, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल के अंडर ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब जो है वायसराय को जो है इशू करने की पावर दे दी गई बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिस्कस करके हुए, लेकिन इस ऑर्डिनेंस की सिर्फ लाइफ थी 6 मंथ्स की, ठीक है, 6 मंथ लाइफ थी। अगर बिना कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर आपने इशू किया ऑर्डिनेंस, तो उसकी लाइफ सिर्फ 6 मंथ्स होगी। अब 1892 का एक्ट आया, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं है, सिर्फ जो चीज़ें पूछी जाती हैं, सिर्फ ये ज़्यादातर दो ही चीज़ें पूछी जाती है कि नंबर ऑफ एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, जैसे उनके पहले नंबर थे उनसे ज़्यादा नंबर्स अपॉइंट किए जाने लगे, और डिस्कस पावर जो है डिस्कस करने के बजट वो भी इस एक्ट के अंदर दे दी गई,